हम कम से 10-11 बार खाना खा चुके हैं इधर। इसकी खाने का जो टेस्ट है ना वो इस एरिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। लाजवाब सर्विस है, कोई सामने जो भी शुद्ध खाना है बिल्कुल, इतनी बढ़िया सफाई है यहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार यहाँ पे जरूर खाना खाएं। यहाँ पे खाना खाते हैं, अच्छा खाना लग रहा है, इसलिए हम बार सर्विस कैसी रहती है। बोले भाई सुन ले साजन बात मेरी, मेरा इतना कहन पुगा देना है, और शॉपिंग तो बतेरी होली, वो होटल का खाना खिला देना है। लेकिन भाई होटल भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि खाना हमारे जीवन में स्वास्थ्य के लिए अहम भूमिका निभाता है। लेकिन अगर जी खाना अच्छा हो तो कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। भाई आज पूछे यहाँ दी एम्पायर होटल एंड रेस्टोरेंट में, फिलहाल आप तस्वीर देख पा रहे हो भाई शिवानी मंडी का दी एम्पायर होटल, यानी कि अपने आप में एक इतना मशहूर होटल है जहाँ आप खाना खाओगे तो आप भी कहोगे वाह क्या खाना है। और आपको मैं लोकेशन बताना चाहूंगा भाई, शिवानी मंडी का जो बाईपास है, जो हिसार बाईपास, जो अणची देवी मेघराज जिंदल नागरिक हॉस्पिटल है, इसके बिल्कुल सामने और दी एम्पायर होटल है। अगर यहाँ आप आते हो तो किस तरह की आपको सुविधा मिलेगी, किस प्रकार के मतलब पूरी मैनेजमेंट मिलेगी आपको, पूरे होटल से रूबरू करवाएंगे। भाई हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे को कुछ छोटी मोटी कोई मीटिंग करनी होती है या फिर कोई पार्टी करनी होती है तो हम अच्छे होटल की तलाश करते हैं। भाई अगर अच्छा होटल हमें मिल जाए तो कहीं ना कहीं एक जो हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाती है। तो आज दी एम्पायर होटल एंड रेस्टोरेंट पहुंचे यहाँ, और भाई सुनील कौशिक जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी कर लेंगे और पूरी लोकेशन आपको दिखाऊंगा किस तरह की यहाँ पर सुविधा। तो मैं कैमरा मैन से कहूंगा जरा अंदर आ जाए भाई। फिलहाल आप जैसे ही होटल के अंदर प्रवेश करोगे एक बहुत ही सुंदर नजारा आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो किस प्रकार से यानी कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया। अभी कस्टमर यहाँ पर आकर इतने खुश होने वाले हैं क्योंकि एक अच्छी मैनेजमेंट का प्रतीक माना जाता है। बाकी और बातचीत कर लेते हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी वैसे होटल के हमने बहुत चर्चे सुने थे एम्पायर जो होटल है, किस तरह क्या सर्विस यहाँ पर मिलती है, किस तरह से कस्टमर यहाँ पर संतुष्टि जाहिर करते हैं, जरा विस्तार से जानकारी। सर हमारा होटल अच्छा खाना वगैरह देते हैं और रहने की सुविधा भी हमारे पास रूम वगैरह की, और नीचे भी हमारा हॉल वगैरह है, पार्टी शार्टी का भी कर देते हैं हम, फंक्शन वगैरह भी करवा देते हैं। अगर जी मतलब जी पार्टी कोई करना चाहो तो कितने आदमी बैठने की सुविधा है अपने पास? फिलहाल 90 आदमी की सुविधा है, 90 इंसान अपनी आराम आसानी से सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे। पार्टी हॉल के लिए अपने को पार्ट फैमिली जो फंक्शन होगा, किसी की रिंग सेरेमनी करवानी, बर्थडे पार्टी होगी, ये सभी सुविधाएं आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। खाने में क्या क्या रहता है, मतलब जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर की सभी सुविधाएं? ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी यहाँ पे। जो जैसे कि जो आमतौर पर जो सब्जियां मिलती हैं वो हर प्रकार की सब्जी मिलती है, और फास्ट फूड में भी अपने पास पिज्जा बर्गर सैंडविचेस और ये सारी सुविधाएं यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। सर देखने में ऐसा लगता है जिस प्रकार से हमने होटल की लोकेशन देखी है, ये जाहिर होता है कि आपके रेट भी मतलब भाई हाईफाई पाएंगे फिर तो, क्योंकि इतने बढ़िया फैसिलिटीज मिलती है। नहीं इतने हाईफाई नहीं है, नॉर्मल ही रेट है अपने, मार्केट के हिसाब से ही रेट रखे हैं और क्वालिटी के साथ हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्वालिटी A1 है एक नंबर की, और रेट भी मिनिमल है, तो ना ज्यादा रेट है और क्वालिटी भी उपने। अभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर रहे हैं हम सारा काम, ताकि शिवानी को पता चले कि क्वालिटी अच्छी क्वालिटी इतने कम प्राइस में मिल सकती है हमें। ये सुविधा हमें अभी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे शिवानी के आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई आपको पूरे लोकेशन दिखाएंगे, आपको लोकेशन आपको बता दिए, लेकिन पूरे होटल की आपको सैर कराएंगे भी किस प्रकार से यहाँ पर 90 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा और ब्रेकफास्ट लंच डिनर की जो है वो अच्छी सर्विस यहाँ पर दी जाती है। तो आप देख सकते हो जैसे आप होटल में प्रवेश करोगे नीचे भी आपको बहुत एक सुंदर हॉल दिखाई देगा, जिसमें आप किसी प्रकार का आपको कोई फंक्शन रखना हो, कोई मीटिंग रखनी हो, कोई कंपनियों की मीटिंग हो, कोई विवाह शादी के लिए कोई पार्टी हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, तो आप जो है वो इस होटल में आ सकते हैं। और ऊपर की बिल्डिंग में जो यहाँ पर एयर कंडीशन रूम बने हुए हैं वो भी आपको, यहाँ पर कुछ कस्टमर आए हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप देख सकते हो भाई खाने का लुत्फ उठाते हुए बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? श्रीमान जी रवि। खाने का टेस्ट कैसा है जी? बहुत बढ़िया, लाजवाब है, लाजवाब। आप देख सकते हो भाई किस प्रकार से यहाँ पर युवा साथी आए हुए हैं, बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार जी पहली बार खाना खाने के लिए आए हो या आप पहले भी आते रहे? हम कम से 10-11 बार खाना खा चुके हैं इधर। इसकी खाने का जो टेस्ट है ना वो इस एरिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। लाजवाब सर्विस है, कोई सामने जो भी शुद्ध खाना है बिल्कुल, इतनी बढ़िया सफाई है यहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार यहाँ पे जरूर खाना खाएं। अभी आप देख सकते हो किस प्रकार जो कस्टमर है वो बड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि अच्छी सर्विस रहती है और खाने का जो लाजवाब टेस्ट बता रहे हैं। तो एक सर और बैठे बातचीत कर रहे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर जी? दर्शन नाम है। दर्शन लाल जी खाना पहली बार होटल में खा ले, पहले भी कभी यहाँ खाया? नहीं, हम बार बार आते हैं यहाँ पे खाना खाते हैं, अच्छा खाना लग रहा है, इसलिए हम बार। सर्विस कैसी रहती है? बढ़िया सर्विस है जी। देख सकते हो जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं संतुष्टि जाहिर करते हुए आ रहे हैं, और आपको दिखाएंगे भी ऊपर कमरे के जो लोग हैं कमरे दिखाएंगे आपको किस प्रकार से। एयर कंडीशन पूरा होटल है और एयर कंडीशन रूम है, और
बिल्कुल फुल एसी की यहाँ पर सुविधा है। भैया आप गर्मी में आओ सर्दी में आओ किसी प्रकार की परेशानी आपको होने वाले नहीं है। और फिलहाल ऊपर की बिल्डिंग में चलते दिखाते हैं आपको। और भाई ये नजारा जो है ऊपर की बिल्डिंग का है, फिलहाल आप यहाँ से भी देख सकते हो, यानी कि रोड की तस्वीर है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। और एयर कंडीशन कमरे यहाँ पर एसी दार कमरे हैं आपको दिखाएंगे भी। जब भी यहाँ अगर आपको नाइट में रहना हो या आपको किसी प्रकार के यहाँ पर रहना हो तो बढ़िया कमरे की सुविधा आप देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से, यानी कि एयर कंडीशन पूरा रूम बना दिया गया है और पूरा एसी दार कमरा, एसी की सुविधा है आप देख सकते हो भाई। अच्छे तरीके से यहाँ पर बेड लगा दिया गया है और मतलब फुल अच्छी मैनेजमेंट है। यानी कि आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर इसलिए भी करिए हो ताकि क्षेत्रवासी हैं जो इस वीडियो का फायदा उठा सके। और भाई ऐसे होटल अपने क्षेत्र में जिसकी जरूरत थी वो कहीं ना कहीं जो एक तोहफा देने का काम हुआ है शिवानी मंडी को, क्योंकि ऐसे होटल की जरूरत थी और तलाश थी लोगों को भाई हमें अच्छा होटल कहाँ मिले। तो फिलहाल यहाँ पे एक पार्टी चल रही है, मैं कैमरा मैन ज्यादा तस्वीरें दिखा दे भाई आप देख सकते हो। फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हो, यानी कि यहाँ पर पार्टी चल रही है, मीटिंग है और ये अटेंड कर रहे हैं तो इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिलहाल फिलहाल होटल की जो किचन है, किचन का वो दृश्य दिखाते हैं किस तरह की सफाई व्यवस्था यहाँ पर रहती है, क्योंकि सफाई कहीं ना कहीं जरूरी होती है, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उस्ताद जी है, भंडारी जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं और देख सकते हो किस प्रकार से हर तरह की सुविधा आप देख सकते हो किचन के अंदर। और सफाई इतनी है यहाँ पर कि यहाँ पर परिंदा ही पर नहीं मार सकता, सफाई व्यवस्था अच्छे तरीके से आप देख सकते हो भाई। ये तो भंडारी जी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? जी गोविंद सिंह भंडारी जी। कितने समय से आप यहाँ काम कर रहे हो? अभी तो फिलहाल यहाँ हूँ, वैसे मेरे को 35 इयर्स हो गए एक्सपीरियंस होटल लाइफ। तो जी कई होटलों में देखा जाता है कि सफाई की मतलब और ध्यान नहीं दिया जाता, तो सफाई व्यवस्था कैसी, क्या रखने में आप? बढ़िया हो रहा है सर, अभी तो सफाई अभी स्टार्टिंग है हमारी सफाई, और अगर आपके उसमें नहीं है तो और भी अच्छा लगेगा अगले प्रोग्राम से। अभी मतलब वो है पूरा चल रहा है, अभी नया खोला है हमने। जो कस्टमर यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं वो किस तरह की संतुष्टि जाहिर करते हैं? सर जो भी आया यहाँ, आज महीना हो गया मेरे को, मेरी तारीफ ही करके गया खाने। बाकी आज आपको देख लेंगे आप क्या करके जाते हो। बिल्कुल देख सकते हो भाई, जो भी कस्टमर यहाँ पर आते हैं तो तारीफ ही करके जाते हैं। तारीफ हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि जो अच्छा खाना और अच्छे तरह की जो सर्विस यहाँ पर दी जाती है। आइए तो भाई दी एम्पायर होटल के मालिक यानी कि ओनर सुनील जी कोशिक हमारे साथ मौजूद है। भाई सुनील जी कोशिक तो वैसे भी सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि ये कोई भी समाज सेवा कार्य हो शिवानी मंडी में उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते, चाहे वो पर्यावरण बचाने का संदेश हो, चाहे वो किसी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक कार्य हो। तो सुनील जी कोशिक बातचीत कर लेते हैं। सुनील जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार, और कैसे हो जी? बढ़िया सुनील जी। वैसे आज हमको भी मौका मिला आपके पास आने के लिए, क्योंकि आपका जो होटल है बहुत चर्चा में है। भी ऐसी क्या आपने शिवानी को तोहफा देने का काम किया है, तो या क्या मन में आई कि अपने को शिवानी में एक इस तरह का एक होटल करना है? शिवानी में एक नई शुरुआत की है, पहले यहाँ इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, तो एक अच्छा करने का प्रयास है और हमारी तरफ से जितना अच्छा होगा उतना अच्छा करेंगे। बढ़िया खाना और एक शुद्ध और बगैर कोई लाग लपट के, या बोलते हैं ना भाई यहाँ कोई पंगा फसाद, और विद फैमिली रेस्टोरेंट बनाया हमने, सारी फैमिली आएगी यहाँ पर और अच्छा माहौल देंगे, बढ़िया वातावरण। क्योंकि सुनील जी इस चीज की जरूरत भी थी शिवानी को, कहीं ना कहीं हम देखते हैं भाई हम कोई पार्टी रखते हैं या किसी प्रकार कोई फंक्शन करते हैं तो एक अच्छे होटल की तलाश करते हैं, भी सारी सुविधा हमें एक ही छत के नीचे मिल जाए, तो वो कहीं ना कहीं नहीं आपको शिवानी वासी को देना। वही प्रयास किया है हमने भी सारी शिवानी के अंदर अपना, ये इस प्रकार की कोई सुविधा थी ही नहीं। अगर कोई फैमिली आ जाती है, अगर फैमिली के मेंबर आ जाते हैं, रिलेशन रिलेटिव आ जाते हैं, तो अगर उनको 5 आदमी को खाना खिलाना है तो यहाँ इस प्रकार की कोई सुविधा थी ही नहीं। एक साफ शुद्ध वातावरण नहीं था यहाँ, पार्किंग की पूरी सुविधा है यहाँ, हाईवे के ऊपर है, शुद्ध वातावरण है और एक अच्छा प्रयास करेंगे अच्छा करने का। सुनील जी वो तो हमने देखा है, जो कस्टमर यहाँ पर फिलहाल खाना खा रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है, कहीं ना कहीं संतुष्टि जाहिर करते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, कोई होटल बुक कराना चाहता हो, तो अपने संपर्क सूत्र एक बार हमारे दर्शकों को बता दो। संपर्क सूत्र अपना होटल का नंबर है 7321-2158-00। तिहत्तर 7321-005800। वैसे तो इनका जो नंबर है आप स्क्रीन पे साथ साथ देख सकते हो, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, और आपको किसी प्रकार की भी अगर पहले बुक करनी हो, अगर कोई फंक्शन के लिए आपको होटल बुक करना हो, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर इसलिए भी कर दियो ताकि क्षेत्र में जिस चीज की जरूरत थी तो इन्होंने एक तोहफा देने का काम किया, ताकि अहम जो जानकारी है हमारे दर्शकों तक पहुंचे। तो क्या की देर आप करो वीडियो को शेयर, अगली वीडियो मिलती है फिर। एनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापत की विशेष रिपोर्ट।